करना चाहता आई लव यू। आज घर आते हैं, मैं अपनी मम्मा को विश करना चाहता हूँ। तो मेरी वन बेस्ट मम्मा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। मेजर नामदेव राजू भाई चैनल पे वेलकम। आज का मेरा व्लॉग है मराठे के हवाले से, और हम बहुत क्यूट क्यूट से बच्चों से जो है अपनी इनकी मदर के हवाले से कमेंट्स लेंगे, और देखते हैं इस व्लॉग में कि वो कैसे अपनी मामा को विश करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग, और आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट किए, ताकि मेरी जो नई वीडियो कोई भी वो आप जो है मिस नहीं करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, हम जो है एक और बच्चे से पूछते हैं मदर डे के हवाले से कि मदर डे क्या होता है और वो किस तरीके से बच्चा जो है अपनी मदर को जो है अपनी मम्मा को विश करेगा। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर, अब्दुल सबूर, आप क्या मदर डे के हवाले से कुछ जानते हैं? मदर डे क्या होता है? मामाज का डे। अच्छा, मम्मा का डे होता है। आज कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मा के लिए? मम्मा को विश करेंगे आप? करें। हैप्पी मदर डे मम्मा। अच्छा चले, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ये एक हैं हमारे, इनसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? अलियान। अलियान, अलियान जो मदर डे क्या होता है पता है आपको? जी। क्या होता है? मदर्स का डे। मदर का डे होता है। अच्छा, आप मदर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फाइव। अच्छा, मम्मा को कैसे विश करेंगे आप? हैप्पी मदर डे। हैप्पी मदर डे। हाँ जी, ये हमारे जी बेटा आपका नाम क्या है? मुईज़। मुईज़, मुईज़ मदर डे क्या होता है? मदर डे मम्मा की खुशियों का दिन होता है। अच्छा, मम्मा की खुशियों का दिन होता है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेवन। सेवन में ये कोई बोलेंगे कोई ऐसे किस तरीके से विश करेंगे अपनी मम्मा को? क्या आगे फ्यूचर में आर्मी में जाएंगे? मम्मा के लिए कुछ बोलोगे आप? आपका नाम क्या है? सुहेब। सुहेब, सुहेब मम्मा के लिए क्या कुछ क्या कहना चाहोगे मम्मा के लिए? जन्नत की हवा, अम्मी की, अम्मी की दुआ, अम्मी की दुआ, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। चले बच्चे ने ये बोला, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। चले बहुत थैंक यू, थैंक्स। ठीक है, ओके। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अर्श। सैयद मोहम्मद अर्श। अर्श, अच्छा मदर डे क्या होता है बेटा? माँ का दिन। माँ का दिन क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते थे। माँ का दिन क्यों मनाते हैं? विश करने के लिए मनाते हैं राज्य पे? जी यस। अच्छा चले, हम कभी विश किया है मम्मा को? किया है। अच्छा चले, आज हमारे चैनल के थ्रू करें, कराची पॉइंट चैनल के थ्रू अपनी मम्मा के लिए कोई लाइन, कोई गाना, कोई ऐसा डेडिकेट करें अपनी वाला को, क्या कहना चाहेंगे? माँ, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। आप डॉक्टर बनेंगे? जी इंशाल्लाह। वहाँ आपके साथ हैं, आप डॉक्टर बने और इसी तरह मुल्क कौम की खिदमत करें। ठीक है जी, चले थैंक्स अ लॉट। ये हमारे बहुत प्यारे से बच्चे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सैयद अशद रजा। सैयद अशद रजा। अच्छा बेटा, मदर डे क्या होता है? मदर डे माँ का दिन होते है, जिसके अंदर हमें माँ को अपना उनको तोहफा देना चाहिए और हमें उनको खुश करना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन। सेवन में बड़ा होके क्या कुछ बनने का है? क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। अच्छा, मम्मा के लिए कुछ कहोगे? विश किस तरह विश करोगे मम्मा को? मैं इस तरह से विश करूँगा जैसे माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अदीना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? स्कूल का नाम? अभी चाइनीज़। अच्छा, तो आपने अभी, आपको पता है मदर डे मनाया गया था अभी जी। तो आप मनाती हैं? जी। मनाया था तो कैसे मनाया था पहले तो ये बताएँ। क्या सरप्राइज दिया था? वो असल में स्कूल में जॉब करती, स्कूल से वापसी आएंगी तो मैंने साफ कर दिया था। यानी कि हेल्प करी आपने अपनी अम्मी की, थक कर आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो अपनी अम्मी के साथ क्या करें, मतलब हेल्प करें? अपनी अम्मी की हेल्प करें हर काम में और उनसे बदतमीजी नहीं करें।
तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कभी अपनी अम्मी का दिल दुखाया? आपको लगता है जैसे कि आपने को लगता है कि आपने कभी अम्मी की बात नहीं मानी हो और वो उदास हुई हो आपकी बात पे, तो ऐसा हुआ है कभी कोई शरारत की और आपको मार पड़ गई हो? जी। तो फिर अब क्या आज क्या कहना चाहते हैं? अच्छा चलें इस मौके पे अपनी अम्मी को। आइंदा नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ती है? पढ़ने पर कम पढ़ती हैं आप, टाइम नहीं देती, तो पढ़ना तो अच्छी बात है। तो यानी कि आप इस मदर डे पे ये एहसास कर रही हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आप अपनी अम्मी से वादा कर रही हैं। तो वीडियो में देख के कैमरे में आप देख के बात करें कि मैसेज दें, आपका ये मैसेज आपकी अम्मी तक ज़रूर जाएगा। हाँ हाँ सुनिए। अच्छा, और कोई एक बात जो आप अपनी अम्मी से कभी नहीं कह सकी हैं और अब कहना चाहती हैं तो क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, सब बातें शेयर करती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अम्मियों से हर बात शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो कोई सॉन्ग या कोई पोयम आपके है पसंद है कुछ, तो अपनी अम्मी के लिए कुछ बोलेंगी आप? हाँ तो गाएं थोड़ा सा। मेरे खुदा मेरा भी न चाइना, मेरी माँ का तू रख ख्याल, मेरी बस एक ही दुआ मेरी मरण सदा, मेरी माँ का तू रख ख्याल। हाँ, ये तो बहुत ज़बरदस्त, आपने अच्छा मैसेज दिया और आपका ये वीडियो जो है आपके बाकी दोस्त वगैरह भी देखेंगे और बाकी बच्चे भी देखेंगे तो वो भी यकीनन सीखेंगे कि अपनी अम्मियों की हेल्प करनी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, आपको पता है मदर डे था? Yes. आपने सेलिब्रेट किया था स्कूल में, घर में किया था? क्या विश किया आपने अपनी अम्मी? अच्छा, तो मदर डे क्यों मनाते हैं? मम्मा के लिए मनाते हैं। मनाना चाहिए। अच्छा, तो अपनी मम्मा को आप क्या कहना चाहती हो? अपनी मम्मा को आई लव यू। अच्छा, आपको बहुत प्यार है अपनी मम्मा से, उनको कभी सरप्राइज दिया? अच्छा, तो उनके लिए क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में, जैसे क्या बनना चाहती हैं? अच्छी लड़की बनना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो कोई मैसेज अपनी अम्मी को देना चाहती हैं इस वीडियो से, या आप अपने दोस्त से कुछ कहना चाहते हैं कि वो भी कुछ करें? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अपनी मम्मा का बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो आप जो हैं आप कभी उन्होंने आपको मारा है, डांटा, कभी डांट लगती है, सताती हैं आप उन्हें, तंग करती हैं? तो आप यानी कि आप क्या कहना चाहती हैं उनसे कि आज के बाद आप नहीं करेंगी, या वो किसी बात पे आपको मना करती हैं बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखने पे या डांटती हैं, तो आप उनसे कहेंगी कि मैं अच्छा ये आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी? कौन सा काम, किस बात पर डांट पड़ती है दादा? तो वो मना करती हैं, वो कहती हैं पढ़ो, तो पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो आप इस मदर डे पे ये वादा कर रही हैं अपनी अम्मी से कि आप टीवी कम देखेंगी और जो है ज़्यादातर पढ़ाई करेंगी, सही है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।